हेलो एंड वेलकम टू इंडियन लाइफ इन सऊदी अरेबिया। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आपने अब तक वीडियो में देखा, हम हैं किंग अब्दुल्ला पार्क के बिल्कुल सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट काउंटर है, तो जी हाँ, यहाँ पर टिकट लेकर अंदर जाना होता है। टिकट का प्राइस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी और हम भी ले लेते हैं टिकट। इससे पहले मैं आपको प्राइस बताऊँ, ये देखिए सामने का नज़ारा। ये सारा पार्किंग लॉट है, यहाँ पर कार को पार्क कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है और जगह जगह पर हमें इस तरीके के खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। ये देखिए, इसमें खजूर भी लगे हुए हैं, ग्रीन कलर में हैं, छोटे हैं, कच्चे हैं, अभी तक पके नहीं हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है ये। इस तरीके से 3 से 4 गेट्स हैं अंदर जाने के लिए। टिकट हमने ले लिया है, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं किंग अब्दुल्ला पार्क को। और एंट्रेंस में देखिए, हमें इस तरीके से टिकट शो करना होता है, बल्कि इनको टिकट दे देना होता है। और अंदर आते ही दिखता है किंग अब्दुल्ला पार्क कुछ इस तरीके से, जो कि मलज में लोकेटेड है, रियाद सऊदी अरब में। ये वन ऑफ द फेमस पार्क है सऊदी अरब में, जिसका नाम रखा गया है फॉर्मर किंग अब्दुल्ला के ऊपर। फ्राइडे का दिन है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ऊपर से अभी समर सीज़न चल रहा है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं रात के टाइम पर। ये देखिए, आगे लेफ्ट साइड में है प्रे एरिया, जेंट्स प्रे एरिया है ये, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये आ गया बच्चों का फेवरेट प्ले एरिया। बहुत सारे प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर। नीचे रेत है, तो केयरफुल शूज़ में, चप्पल में रेत जा सकती है। स्लाइड्स, स्विंग्स, सीसॉ जैसे बहुत सारे प्ले ऑप्शन है यहाँ पर। तो जो टिकट का प्राइस है यहाँ, वो है 11.5 रियाल्स फॉर एडल्ट्स, और बच्चों के लिए है 5.5 रियाल्स। इस तरीके के ट्रेन्स, बसेस, साइकिल्स की राइड हमें मिल जाती है यहाँ पर। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है, जो कि है 20 रियाल्स पर हेड। ये चार्जेस थोड़े महंगे लगते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं और राइड में हिस्सा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयज़ ख़रीदने को मिल रहे हैं। और ये पार्क बहुत ही क्लीन है। वैसे भी टिकट के लिए इतना चार्ज कर रहे हैं, तो इन्हें वेल मेंटेन रखना ही चाहिए, और ये रख भी रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर आप मलज यहाँ पर इस पार्क तक आए हुए हैं, तो इसके साथ ही मलज में रियाद ज़ू भी है, वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। सेम टिकट के चार्जेस ही हैं, 10-11 रियाल्स में आपको पूरा ज़ू देखने को मिलेगा। बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सीखते हैं। तो मुझे तो ये लगा कि इस पार्क में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा ज़ू में इन्वेस्ट करना ज़्यादा वर्थ रहता है। लेकिन हाँ, एक और बात है कि यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो उसका जो है कोई कंपैरिजन नहीं है। सबकी अपनी अपनी पसंद और चॉइस होती है। ये देखिए, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम जैसा भी बना हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए भी काफ़ी सारे चेयर्स रखे हुए हैं, और इसके सामने है बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड। तो यहाँ पर कुछ कंडक्ट करते होंगे स्पोर्ट्स या फिर इवेंट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी बड़ा पार्क है ये। और ये देखिए, यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी मज़े कर रहे हैं। कैसल बना हुआ है, और इसके अंदर जाने के लिए भी टिकट ज़रूरी है। वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती है, काफ़ी सारे वॉशरूम्स हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और लेडीज़ जेंट्स जैसे कि अलग होता है, वैसे ही है। और जो मेंटेनेंस है, काफ़ी नीट वॉशरूम है अंदर। और ये देखिए, ये एक और एंट्रेंस गेट है। जैसे कि हम मैंने पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, इस पार्क के अंदर आने के लिए 3 से 4 गेट्स हैं। यहाँ देखने को मिल रहा है बोर्ड जो कि लगाया गया है, और इस पर मेंशन है सारा इन्फॉर्मेशन, वही जो सारे चीज़ें यहाँ पर पार्क में हमें देखने को मिलती हैं। इवेंट सेंटर, रेस्टोरेंट्स, पार्क एक्सप्लोरेटरी, और देखिए यहाँ पर लेक है। चलिए आगे हम देखेंगे लेक, जो कि यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर लोग आते हैं लेक देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर होता है फाउंटेन शो। साइकिलिंग पसंद है, साइकिल राइड पर जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से फैमिली के साथ साइकिल को हायर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं पार्क में। साइकिलिंग नहीं करनी है, मेहनत नहीं करना है, बस बैठकर पार्क घूमना है, तो इस तरीके से बस की राइड ले सकते हैं और सारे पार्क में घूम सकते हैं।
ये है सेपरेट टिकट काउंटर, तो यहाँ पर से हमें टिकट लेना होता है और अपनी मर्जी के राइड्स चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा अट्रैक्टिव पाथ बना हुआ है। ये देखिए सीलिंग में इस तरीके से कलरफुल बटरफ्लाइज लगे हुए हैं जो जिसमें कि लाइटिंग्स लगी हुई हैं। एट लास्ट हम घूमते हुए आ गए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये है लेक, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये बड़ा सा लेक। और यहाँ की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पर होते हैं फाउंटेन शो। गर्मियों का मौसम है और काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है रियाद में। टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच में ही रहता है, कभी कभी 50 डिग्रीज भी क्रॉस कर जाता है। तो ऐसी झुलसती गर्मी में शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे लोग पार्क जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा लगता है। विंटर्स में तो पार्क जा नहीं पाते हैं, तो सभी लोग जो है इसी सीज़न में ज़्यादातर पार्क जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। काफ़ी देर तक, मिड नाइट तक, लेट नाइट्स तक लोग पार्क में रहते हैं, मॉल्स में रहते हैं, घर के बाहर ही रहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की नाइट लाइफ ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर दिन के टाइम पे ज़्यादा लोग घूमते फिरते नहीं हैं, लेकिन रात के टाइम पर लोग जो है ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही होती है यहाँ की अरेबियन नाइट्स। ये देखिए यहाँ पर फाउंटेन शो स्टार्ट हो चुका है। वंस इन ए आर ये शो रिपीट होता है, यानी कि हर घंटे में एक बार ये शो को रिपीट करते हैं। लगभग 10 मिनट तक ये शो चलता रहता है। यहाँ पर देखिए लाइट्स लगी हुई हैं, और जब शो चलता है तो यहाँ पर लाइट्स ऑन कर दी जाती है, और यहाँ पर पानी के फव्वारे, पानी के फाउंटेन्स, डांसिंग फाउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में म्यूज़िक भी चलाया जाता है जो कि माहौल को और भी बढ़िया कर देते हैं। ये देखने में बहुत ही सूदिंग है। अब्दुल्ला पार्क फेमस है इसी चीज़ के लिए, काफ़ी सारे लोग बस यही देखने के लिए आते हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए। अगर आप अब्दुल्ला पार्क आते हैं तो इस म्यूज़िकल डांसिंग फाउंटेन शो को मिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस पार्क में यही इकलौती चीज़ है जो कि देखने लायक है और इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ इस तरीके से एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें चढ़कर जाना होता है, थोड़ा सा हाइट पर है। यहाँ पर आकर भी हम फाउंटेन शो का व्यू ले सकते हैं, ये थोड़ी हाइट पर है, तो यहाँ पर खड़े होकर भी यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से भी। दस पंद्रह मिनट हो चुके हैं और अब इस वाटर शो को बंद कर दिया गया है अगले एक घंटे के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि घंटे में सिर्फ इसे एक ही बार चलाया जाता है, तो अब ये बंद हो चुका है। फिर से जो है एक घंटे के बाद अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टॉयज़ मिल रहे हैं लाइटिंग वाले, तो बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। वॉकिंग करना हो, जॉगिंग करना हो, प्ले करना हो, कोई स्पोर्ट्स कंडक्ट करना हो, इवेंट कंडक्ट करना हो, ये एरिया बहुत ही बड़ा है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सफिशिएंट है। इसी तरीके का एक और पार्क है सऊदी अरब में जिसका नाम है सलाम पार्क। वहाँ पर हमें इस पार्क से भी ज़्यादा कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम बोटिंग कर सकते हैं। दैट टू हम चूज़ भी कर सकते हैं कि सिंगल बोटिंग करना है, डबल बोटिंग करना है, फोर मेंबर्स के लिए बोटिंग करना है, या फिर हमें शिप पर जाना है। सलाम पार्क की एंट्री चार्जेस भी यहाँ से कंपैरेटिवली कम है। सलाम पार्क पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर आई बटन पर मेंशन कर दूंगी, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा बिना एंट्रेंस फीस के पार्क्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि सलमान पार्क है, लेक पार्क है, वहाँ पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। इन सारे पार्क्स के लिंक्स भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।